आज 14 तारीख बस एक आगे घंटा में 15 अगस्त हो जाए और जश्ने आजादी, जश्ने आजादी हिंदुस्तान में एक तरफ भगवान कृष्ण का जन्म, दूसरे तरफ आजाद भारत का जश्न। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का भाषण भी कल होना है। हजारों जवानों की कुर्बानी, एक लाइन भोजपुरिया लाइन में बताई भैया, या जे बैठा बा सब बहादुर बा, सबके लिए ये लाइन बा, आजाद वतन भारत के धरा रे गवे कुर्बानी मांगे ले। धरती जिंदगी जीने के लिए मास्टर एक मिनट, तब तक इतिहास में नाम अमर होगा, उसी का नाम जिंदगी है। हमारे एडवोकेट साहब पांडे जी, पांडे जी को प्रणाम। बहुत बढ़िया गीत आप लोग सुन ली। रजनीगंधा की बड़ी चिंता बा, चश्मा कर आप चश्मा क्यों लगाते हैं? ये जवाब हम न दे जवाही भैया से पूछ लगा। चश्मा का मतलब, चश्मा के भीतर आंख भी सुरक्षित रहती है। हमारे केशव यादव, हमारा तो छोटा भाई हो, रजनीगंधा का भरोही हो, एक बार जोरदार ताली बजा। तुहार बनोई हो तो हमार साढ़ू भाई हो, 21 रुपया, 2100 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया के प्रणाम। अब एगो बिरहा भाई सुना भाई भैया, एक निवेदन के साथ, जंगे आजादी भी स्वतंत्र देश और देश का अस्मिता उन के नजर में रख के एगो ऐसा बिरहा आप लोगों के हम सुना हो जाते हैं। ये कह रहे पहले आप लोग सुन ले ना हुई और सुन लो हुई तो कभी किसी जमाने में कैसे से हमारे ही अंदाज में सुन ले हुई है, ये हमारा चैलेंज है। लेकिन इन्हों का मन खराब हो तो ना कहो तो नाराज हुई, आप लोग का मर्जी हो तो कभी कहो कुछ कह नहीं भैया, क्यों नाराज ना हो कह नहीं ना। अरे क्या बात, थोड़ा हमने मार दिए प्लीज। क्या ना बन गया लम्बा सुना था ना। अच्छा क्या बात है, एक बड़ा गजल लिखा था रानी, तुम नहीं ना लिखी हो? विजय लाल यादव मेरे प्रिय राजा, महेश यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन इनके खातिर एक लाइन, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हों, हमारे भैया बैठे हों, देवार जयसवाल मरू भैया और अनिल, क्या कहना है, हमारा शिष्य जरूर है लेकिन भोजपुरी का स्तंभ है, बम्बई से लेके और गुजरात तक संभाले हुए हैं। यहाँ की विरासत इसको मैंने दिया है, मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगा, साल में कभी दर्शन कर लूंगा और तब तक बेटा तुम खेलते रहो खेलते रहो। लेकिन देवता
देखा जैसन भैया ए भैया भैया बताओ फिर अरे भैया हटा भैया ए बैठा काम हमार की जरूरत है हाथ बांध मिला है इतने पांडे ने हाथ मिला था उसको हमार मटी हो गया रजनीगंधा खातिर बात नायक नायिका से हीरो हीरोइन से लेकिन कितना सुंदर है हमारे बड़े भाई प्यार लाल कवि जी की लिखी हुई बड़े बड़े ऋषि महर्षि जे नीत के डार में लटक के भक्ति करत रहो वो के हलवा खिया दे लो निमिर पवन देवता के तोर हल समारल हउ हमरा खातिर जमी पर उतारल हउ केशव बाबू 1100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम यूपी के मशहूर एडवोकेट आदमी रविंद्रनाथ पांडे जी 2100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत वकील साहब के प्रणाम जोरदार एक बार ताली से सम्मान हुए बेचारे भगवान यादव धर्मपुर खतरिया क्षेत्र करंडा गाजीपुर ऐतिहासिक धरती बार गाजीपुर बहुत बहुत प्रणाम देखिए खूबसूरती हमारी बहनें बैठी है माताएं बैठी है रजनी बात कर लिया कि बेटा बेटी में लोग फर्क अब खत्म हो गया है मामला जितना बेटा का दर्जा है उतना ही बिटिया का दर्जा है जहां बेटा जा रहा है वहां हमारी बिटिया जा रही है जहां बेटा जिस वजह पर जा रहा है वहां हमारी बेटी भी जा रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चली है भ्रूण हत्याएं रोकने के लिए तमाम संगठन आगे आ रहे हैं लेकिन खूबसूरती देखा कहियो देव सुंदर भी हो जाए जमीन कमाल के बाद रखिया संभाल के काढ़ू बनाव लिए एकदम टाइम निकाल के इसका मतलब तो समझते हैं रुपवा कमाल के बाद
संभाल के पारू बनावल एकदम तालीम निकाल के बजे सहनाई जब बनल बोलिया लेकिन समाज देख के हम काम करीला कहे कि जब जैसन तब तैसन आ ना बुझत मरत कैसन शालीनता हमारे भोजपुरिया भाषा की शालीनता मेन ओढ़नी है मेन चादर है मेन पर्दा और पर्दा से बाहर बात हो गई और पर्दे से बाहर मेहरारू हो गई तो ये दोनों का आनंद ही खत्म हो जाता है तोहरा पीला ये रमिया जीवल मोहार बा मालिक हुआ भगवान हुआ थोड़ा तबियत भी हमार प्रोड्यूसर साहब ये समझना साज है चार पांच दिन छह दिन से लगातार बुखार में गाड़ी में भी दवा खाते गया और ये लोग तो साथ ही थे लेकिन यहां नहीं बताना उचित समझता हुआ काम कई काम में दिक्कत ना हुई काम तो हम अपन कही जा कहते दादा रे दादा ये लड़का कब से पड़ल भाई इनके पीछे यार क्या बात करती है आदरणीय हमारे बड़े भैया प्रोड्यूसर साहब और भोजपुरी फिल्म के और भोजपुरी भाषा के गर्व पर गर्व है सम्मानित है और आपने सम्मान मान सम्मान बढ़ाया है इस क्षेत्र का रत्नेश यादव जी एक बार जोरदार ताली बजेगी चाहिए हमारा तो पूरा खंडन बीमार है 14-15-16 फिल्म हम कही भैया के ससुरारी वगैरह त्रिदेव नथुनिया पर गोली मारे बिया फोर एंटरटेनमेंट एक तमाम कैली फिल्म लेकिन बिरहा जगत जगमगाए लगल इतना भैया बैठल हूँ साक्षी है सर विलुप्त हो जाइए तो दिनेश से काली एक भाई सुपर स्टार है ही है
टेम में लाइन लगाने का क्या जरूरत है, जहां महारत लोग हमें महारत ही जहां का मानते हैं, पहले उस लम्हे को संभालना जरूरी है। और आज कितना तबियत खराब है, आज एक बिरहा में सिद्ध करूंगा यहाँ की धरती जहां की जमीन पर बैठे हैं, यहाँ की जमीन इस बिरहा पर गर्म हो जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। ये एक बिरहा को ध्यान आदरणीय जौनपुर जिला से हमारे नाम में चले आदरणीय नेताजी, बहुत प्यार रहा है, आप लोगों ने बहुत सुना है, बहुत स्नेह दिया है। आदरणीय गाजीपुर से मेरे रामविलास यादव, सुरेंद्र यादव बलिया उनके सहयोगी आपके द्वारा ये पुरस्कृत किया गया है, मैं प्रणाम करता हूं सभी इनके प्रणाम। मधुबन मऊ 17 तारीख के हमारे प्रोग्राम मधुबन में हो, माना है इनकी भी बात जरा मानना पड़ता है, सच्चाई तो यही है कि बनल रही तो कोई काम उम करे के हमोश दाढ़ी लग जाइए आ लगल रही तो फिल्म करे चाहत ना हो पाई, ऐसे जो बात है भाई भी कोई फिल्म नहीं, भाई के फिल्म बात कुशीनगर में शूट हो रहा था, उनमें भी 10 दिन का काम है, यहाँ से डायरेक्ट तो वहीं जाएगा, तो मोछ लग जाएगी दाढ़ी लग जाएगी या दाढ़ी मोछ रही और डिमांड होगा कि भाई तनी क्लीन चाहिए क्या करो, तो ठीक है कर दूंगा, चलो 100-500 ले लेना, आइए ले चलते हैं आपको शहीदी धरती पर, देश आजाद हुआ, जवानों ने अपने प्राणों किया हो किया, बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस गीत को। श्री महेश यादव जी आजमगढ़ से प्रसिद्ध किया गया, मैं प्रणाम करता हूं सभी को प्रणाम। लेकिन एक गीत जो हमारे बीच का बहादुर है, हमारा लड़का है आपका भाई, सवाल उठते हैं कि बॉर्डर पर गोलियां चलती है तो कोई मंत्री आवाज देता है कि फौज में फौजी जाता है तो गोली खाने के लिए जाता है, शर्म से सर झुक जाता है ना नरेश भैया, किसान का बेटा किसान का भाई हमारा भाई फौज में जाता है, रात को जाग करके एलओसी की रक्षा करता है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान सोता है, जिस दिन फौजी जागना बंद कर देगा हिंदुस्तान की नींद हराम हो जाएगी, इसको कोई दो राय नहीं। मैं 15 अगस्त कुछ ही क्षण में हमारे सामने आ रहा है, मैं आपको ले चलता हूं एक शहादत की ओर, जो शहादत से तिल मिला उठी पूरी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी, ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ हड़बड़ ना, साफ होना चाहिए, एक लाइन समझ आ जाए, सीमा पार के दुश्मनों को यह लाइन आपके तरफ से है, तालाब का भूत लात का भूत मानेगा कब बात सच, जो हुई सब फिर भी वहां चूक क्यों, भाज ही ना पूछे पूछे हर आदमी, बोध कर हाथ देते हो बंदूक क्यों, उसके सीमा में फौजी बहादुर जवान Thank you.
मुसलमान, मारे दुश्मन को सब तोड़ बंधन गए। आज आवाज उठने लगी है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वहां की आवाम चिल्ला रही है, न व्यवस्था दवाई की, न व्यवस्था पढ़ाई की, न बच्चों के पोषण की। जंग की तैयारी करते हो तो वाली का तर्ज मास्टर लेके नहीं ढोई तो हम कुछ नया करेंगे। आई आशिकाना गजल है, बड़ा मजा आया है। इश्क से दुश्मनी ले रही है, इश्क से हेलो हेलो इश्क से दुश्मनी ले रही, उसने हमारे पास की एक पागल, हेलो हेलो, एक पागल के दीवाने बन, एक पागल के दीवाने बन, ये सारी बस्ती अरब मचा दे रही है, एक पागल के दीवाने बन। रत्नेश भैया एक लाइन और नाराज हो जाएगी ना, मीठे 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 लबो लबो के कटोरे, वहां हमारे राइटर लबो मतलब हो, मीठे मीठे लबो के कटोरे, लेकिन जो विजया गा रही हो कि उठाओ बड़ा मुश्किल है, यही सच्चाई है। कि मीठे मीठे लबों के कटोरे, उसने आंखों में काजल के डोरे, लेकिन जैसे कोई हसीना नहा कर लाइन कलेजा छूट गई, कैसे नहा कर क्या कर रही है, अरे जैसे कोई हसीना नहा कर, जैसे कोई हसीना नहा कर, अरे बाल खोले लगे जिन शहीदों ने दी है आजादी, 15 अगस्त चलिए आजादी सामने है, और रेणी जी फिर गा रही है,
कोनो आशिक भेल मेहरारू बन के अपने प्रेमिका के घर अखबार कैलक फुआरा मतिन भरल लगल। अरे 15 अगस्त है यार, थोड़ा शहादत की बात भी होनी चाहिए क्या? जिन शहीदों ने दी है आजादी, अरे जिन शहीदों ने दी है आजादी, अरे खेल पे हथियार उठा के कहते हो ये जिहाद है, ये कैसा जिहाद है? सोच लो तुम जलाते हो किसको, अरे आग लगने ही कहानी की शुरुआत हुई गाजीपुर जिले का, पूर्वांचल का गाजीपुर जिला। मुन्ना यादव जी महर्षि देवराभा बाबा की धरती देवरिया से आशीर्वचन मिला है। जरा कहानी समझते जाइएगा कैसे फिल्म चलेगी, फिल्म चलेगी मेरी कोशिश होगी। जहां तक मैं कहूंगा जरा ध्यान आप दे दीजिएगा। ये बीच का गलियारा जो है, प्लीज आप लोग इसको खाली करके शांत से बैठ जाइए, 15 मिनट हमें टाइम दीजिए बस प्लीज। कहानी की शुरुआत हुई बात, सलाम फर्जी का है। फर्जी क्या कहता है हमें, हम लोग क्या कहते हैं फर्जी को? शेर। लेकिन फौजी का सवाल है, सुनो मुझे शेर कहते हो ना भारत वालों, एक मेरा काम करो ना, क्या फौजी कहता है? अगर हम शेर हैं, अगर हम शेर हैं तो बांधो ना जंजीरों से, मेरा हाथ खोलो ना। अगर हम शेर हैं तो बांधो ना जंजीरों से, हौसला मिट रहा तो मुल्क की लकीरों से। अब मेरे मरने के बाद दागना गोली, फौजी कह रहा है मेरे मरने के बाद दागना गोली, छोड़ो अर्थी पे सलामी को। मेरे मरने के बाद जो मेरे अर्थी को सलामी देते हो गोलियों की, इसे बंद कर दो। अब गोली कहां खर्च करो, दागना गोली छोड़ो अर्थी पे सलामी को, मार कर गोली तुम मिटा दो उन हरामी को। बात वालों का छिपी का खेल, बात समझाते की, बात समझाते की एक डब्बे में अब पैक करो, जहां भी मौका मिले दुश्मन पर अटैक करो। लेकिन एक बात, एक फौजी को गोली लगी है, उठा करके स्ट्रेचर पर लेकर के दो जवान हाली हाली मिलिट्री का हॉस्पिटल भाग रहे हैं, सब कुछ करिएगा, गोली लगी है, सिस्टम बिगड़ चुका है, मरने वाला है, सांसें चल रही है, होश में आया तो देखा मेरे दो भाई स्ट्रेचर पर उठा करके लेके भागे जा रहे हैं, हमें पहाड़ी से उतर रहे हैं। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा, रोने लगा। एक फौजी ने कहा कि अरे यार भारत माता के लिए है ना, प्यार बंद कर दे, बंद कर दे। अरे यार क्यों रो रहे हो, तुमने देश के लिए भारत माता के लिए तुमने गोली खाई है? का इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर जाऊंगा, रो रहा हूं क्या? भारतवर्ष को मेरा संदेश दे दो, जवानों को मेरा संदेश दे दो, हमारे हिंदुस्तान के वासियों को संदेश दे दो। मरने वाला फौजी कह रहा है क्या, जितनी शक्ति जितनी जितनी शक्ति रही, जितनी शक्ति रही आन हम संभाले हैं, रो रहा है मरने वाला है, जितनी शक्ति रही आन हम संभाले,
संभाले है, हम तो चाह रहे वतन तेरे हवाले है। लेकिन जिला गाजीपुर, जिला गाजीपुर देवपुर कहीं है गांव जहां हरेंद्र यादव बचपन में रखा था गांव जहां। फौज में भर्ती हुआ, फौज में भर्ती हुआ 2007 रहा कि करता गोलियों की दुश्मन पर बरसात रहा। गाजीपुर मर्द मऊ से मर्द रोड पर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव। अगली बार जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो वह फौजी मंच पर बैठ करके इनाम दे रहा था। मैं मंच पर हूं भैया, मैंने आंख से मेरा दर्द यह हमारे परिवार का है। और दूसरी बार जब गया कि भैया आई तो करा दिया पूजा कराई काशीदास बाबा का, वही ने कोके बुलाई इकला करा उधर। लेकिन उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। जवान कट के ड्यूटी दे रहा, सुबह की टाइम है, गद्दार तो हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में बिना गद्दारी किए ये सिक्योरिटी लीक कैसे है? 6 बजे वहां से ड्यूटी चेंज का समय है, 5:10 पर कैंप के अंदर 4 आतंकवादी स्वचालित हथियार लिए हुए मानव बम आत्मघाती हमला हुआ, हथियार लहराते हुए और कैंप के अंदर घुस गए। कैंप के अंदर घुस रहे हैं बाबू, कैंप में जवान जब सुबह की टाइम है, ड्यूटी का चेंज का समय है, कोई जवान एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जवान अपना दाढ़ी शेविंग कर रहा है, कोई जवान बाथरूम में है, कोई जवान अपना थोड़ा रिलैक्स आराम कर रहा है, तब तक अंदर घुस गया था। एक ही बार उठाए धर 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 गोलियां चलने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं। जवान समझ पाते इसके बाद रासों का खरियान लग गया। देखते देखते 19 फौजी 19 हमारे भाई देखते देखते हरामजादों के हाथों शहीद हो गए। पूरी मीडिया में हल्ला मचा, चिल्लाहट मचा, उरी जम्मू एंड कश्मीर की उरी की धरती खून से लाल होती है। इधर हरेंद्र यादव जो देवपुर गाई मर्दा के बगल का बच्चा है, पिता का नाम श्री केदार यादव, 6 भाइयों में 5वें नंबर का भाई, सबसे छोटा भाई नागेंद्र यादव जो ग्रेजुएशन कर रहा है, दुल्हन के पास हुई थे बचवा, 1-4 साल का लड़का, 1.5 साल का लड़का नैहर गई है। आखिरी बात अच्छा, जिस दिन शहीद होता है जवान संजोग देखिए, उसी दिन छोटा भाई देवर अपने भौजाई को लड़ाई करवाने पहुंच गया। अच्छा कह के भौजी कहिए से आके यहाँ टिकल हो, बाबू जी बिगड़ थोड़ा माइयो बिगड़ थे घरे चले चले कह बाबू चलो कभी खाना बना दे। लेकिन की चिंता हो, लेकिन की चिंता हो, लेकिन बाबू कहीं से तो बाबू माई की कितना चिंता बेटी करे। बेटी पर एक लाइन भाव, एक लाइन हमारे कवि लिखे हैं कि बेटी तो कमल कली है, गोदी में किसी के चिलती, बनती है पराई दौलत, खुशबू गैरों को मिलती। बेटी अरे ये सृजन की जननी है, यही आज शक्ति है। बेटी को हे दृश्य से देखने वालों, खोल के अपनी आंख देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया है वो भी बेटी है किसी की, बचाना पड़ेगा। गौ गंगा और बेटी बचाओगे हिंदुस्तान में सनातन धर्म की अस्मिता बचेगी, अगर नहीं बचाओगे तो सनातन धर्म की अस्मिता बचेगी। आज देवरा का तो भौजी चला, बिरहा में दर्द लगे, हम दर्द की तरफ आप ना घुमाओ चाहते इनाम आता है तो वहीं लेके लिख के रखो, जब मेरा मूड बनेगा तो हम लेके बोल कि थोड़ा फर्ज पड़ा समय को मैंने की घिरल पश्चिम में लगैया भोजपुरी है, पश्चिम में लगैया कब घेरा ले, लाइन बताइए कि घिरल
पश्चिम ललैया सूरज डूब के समैया चोर से आवाज दिया भाई कि हमारे भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं मन? कारिलक्ष जवान धैर्यता से काम लो तुम्हारा भाई सही भाव कितना भैया बैठे हो कितनो झगड़ा करी कितनो लाठी चलाई बंदूक चलाई गोली चलाई मार दी काट दी मेरा भी दूसरा मिल गई लड़का केहू को गोद देने वाले भाई ये दुनिया में ना मिली भैया सुन हो गया सर क्या 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 सर क्या क्या बोल रहे यार सर क्या बोल रहे यार सर 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 मैं सुना नहीं सर 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 क्या बोल रहे यार तेरा भाई आप निर्मला धर्यवाल रहने के खड़ी हो गई एकदम बोल रहा कब आपको कहा कैसे फोन है उधर से फोन कट कर फिर फोन किया जवाब जवान सबको समझाओ बुझाओ सुनो डेथ बॉडी का जा फेंका डेथ बॉडी का नाम सुनो सब मोबाइल फेंका गलो है भैया बार बार पूछो तो बाबू बतावा कहा बात बा क्या कहा ये देखिए मौका है ये देखिए मौका है जैसे फिल्म में पंच पर पंच चलता है वैसे बिरहा में पंच पर पंच चली तो मजा आएगा ये मौका है क्या कह रहा है बॉम्बे से चल के आई हुई है हमारे बीच में मीरा यादव एक बार जोरदार ताली साहब स्वागत करें और ऐसा सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है कि बैठ करके आपने भी कलाकारों को इतना समय दिया है कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा ये पकाऊ चीज है कुछ लोग कहते हैं अरे आपको अपने मदर टंग हमारी बोली आपकी बोली मिलती है इसलिए आप बैठ करके सुन रही है नहीं तो रत्नेश भैया के कदम कह लो आप उनको समझ नहीं आता चलने का लेकिन तो बोली एक है ऐसे बैठा अच्छा लग रहा है ना बढ़िया लग रहा है ना
तो हमके लोग कहला एक बार जम्मू कश्मीर में कि यहाँ आयो गाना गाने के लिए, यहाँ विरावरा नहीं चलता है, हम कभी खाली आधा घंटा मौका था हम साढ़ के सुना दे आदमी के तो बातें चलते। हाँ तुम शंकर जी को सवारी हो बर्दाव होकर सुना दे, आधा घंटा मौका तो था जहाँ पकड़े पूरी गर्दन तो बिना जब अकेले मालूम ना भैया काहे परेशान हो। रामनाथ यादव उगना मर्द गाजीपुर, देखिए वही वहीं से पुरस्कार आया है जहां का मैं जोरदार ताली से स्वागत करूं। उगना और देवपुर पाही का दूरी बहुत ज्यादा ना, दो चार किलोमीटर का अंतर, और ये हरे राम यादव हमारे बड़े प्रिय, हमारे बड़े बचपन के मित्र, हमारे बड़े भैया, बड़ा प्यार रहता है, आपने भी पुरस्कृत किया है, मैं प्रणाम करता हूं। प्रस्तुत करूं हरे मलेटरिया से निकल ना भौजी आई मने भाई रो रहा है भौजी से भैया छूटल बहिनी से मिलनवा बापू जी से लाला नवा भौजी से भैया छूटल बहिनी से मिलनवा बापू जी से लाला नवा अरे तरफ से मेरा कवि जी बैठे हैं, इनके भी आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन प्यारे लाल कवि ने हाँ अशुक अशुक लाइन लिखा है भाई जो है वो क्या दुल्हन की हालत क्या है सुनी को बहुले निर्मला दूल्हा इनके हाथ हवा सचुरी गाड़ी थारिया कापे लागल निर्मला के हाथावा से छुट्टी गई तारिया टॉप लागल सरिया अरे काय तो बेहाल से ऐसा न खतारिया इन्फॉर्मेशन दिया है।
कह रहे यार मेरी बात तो सुनो, कब जवान की डेथ बॉडी घर जा रही है, मेरी बात तो सुनो। प्रधान जी उठा देना गालो, कैसे हुआ सर? कचार फिनाइन हमलावर आए और 19 जवानों को मौत के घाट उतार के उतार दिए। कचार मात्र चार फिनाइन हमलावर और 19 जवानों को समझ में कुछ नहीं आता। हमारे उस्ताद वाली तर्ज है, हम कोनो भी विधा में अपने उस्ताद को तर्ज जरूर करेंगे। राम उस्ताद हमारे गांव में दिखाइए, खाटी भोजपुरी है। तो कोरी कहा तरिया मतलब समझो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं बेउढ़ी कहा ले, कहीं कहीं कुधहन कहा ला, हमारे यहाँ पूर्वांचल गाजीपुर आजमगढ़ जौनपुर कहतरिये कहा ले। तब कहतरी नाम बड़ा शुभ हो, एक कहतरी दही दे के अरे महेंद्र का बड़का दादा रहा तो 10 बिघा लिखवा दे। कोरी कहतरिया सासु दही जमोड़ी, कोरी कहतरिया सासु दही जमावली, हमारी कन्हावली छोड़ा राधा हो राधा बना मोहर। फौजी बता रहा है कि फौजी बुझे ना एगो फौजी के तरह दिया, फौजी बुझे अरे ये तो फौजी के तर दिया, सीमा पवन इस चरणवा भैया हो भोरवा हो गईला शहीद। आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री हरिराम यादव जी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के स्वागत किए हैं बगुतरा, और ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारा शिष्य और भोजपुरी का उगता हुआ सितारा और आपके इस शहर में जो भी कार्यक्रम होता है बड़ी खूबसूरती से अंजाम देता है अनिल यादव, एक बार जोरदार ताली बच्चे का नाम तो बधाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुभ आशीर्वाद देता हूं। जितना परफेक्ट सुर लगता है बस उतना ही परफेक्ट अगर टाइमिंग हो हर काम के लिए तो आदमी कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाता। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े अजीज आदमी हमारे मंगरू भैया के द्वारा, बड़े पुराने मित्र हैं, 2500 साल पहले बुला करके आप लोगों ने गवा करके मान सम्मान बढ़ाया। और ये रुपए का पुरस्कार राजेंद्र सिंह यादव सपा अध्यक्ष सैदपुर गाजीपुर, मनोज यादव ब्रजकुंदन यादव भतीजे गाजीपुर, धन्यवाद सभी के प्रणाम। कि मेरे समझ में नहीं आ रहा छेड़ ना जैसे घमंडी चूहा से थे वही तरह चार आतंक पापी घेरिए सुतले में, फौजी बताओ तो कि सुतले में मचवल बरब दिया भई हूं केहू का टूटल नहीं नींद। सोए सोए मर गए क्या हमारा गाजीपुर का वह जवान हरिंदर यादव, या भी सोए सोए गोली खाया का झूठ नहीं बोलूंगा गलत नहीं बोलूंगा। हरिंदर यादव जिस समय फिनाइन हमला और गोली चला रहे थे कैंप में, उस समय बाथरूम का प्रयोग कर रहा था, गोलियों की आवाज सुना, बाथरूम का दरवाजा खुला और सनसनाती हुई चलती हुई गोलियों के बीच में से ही बाथरूम में से छलांग लगाया और धरती पर गिरा। गरम भाव बढ़ जाए जहां जरूरत पड़ी तो कम हो जाए। इन्हीं भी फिल्म में जाते आए समय रत्नेश भैया लगभग 70% गीत जो हमने गाया है पहले कौन दफ्तर का तू कर्मचारी हो ना, एक हमारे हिट गीत
आई रतिया के जंतु भुलैया धनिया बस दलनिया में खटिया बिसैया धनिया ये सब सारी गीत हमारे छोटे भाई के फिल्म में हमसे पूछा लगे भैया कौन बतावा अब ये बतौल भैया अगले फिल्म में डाला कौन जी पुरस्कार धन्यवाद हो लेकिन बता रहा था उठा टाइगर पर उंगली धुरंधर गर्जल गाजीपुर के सिकंदर इतने में गोली आई हरिंदर यादव को भी छू के पास शहीद हो गए लेकिन वो फौजी बता रहा है इतना कहते फोन कट गया घर पे टूट पड़े आसमान प्रभावती के आंचल का एक हीरा छोड़ चला है जहां केदार यादव बुद्धि ठटरी निकले सांस में निकले प्राण उन्नीस की शाम को लाश है आई पूरा गांव लगे सरसा दरवाजे पर भीड़ लगी है हम लोग भी थे क्योंकि हमारा विधानसभा भी पड़ता है जखनिया विधानसभा सुरक्षित है जंगीपुर विधानसभा से मैं भी टिकट का दावेदार था लेकिन कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश यादव जी के देहावसान के बाद उनके परिवार में यह टिकट दे दिया गया हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं यह संवेदना है और संवेदना के वक्त हम सभी साथी एक साथ तो मैं भी था भीड़ कह रही है कि हमें
इतने में शाम के समय मिलिट्री की गाड़ी आई, आकर के दरवाजे पर रुकती है, दरवाजे से कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ से ये मंच है और रोड पर गाड़ी रुकी, उतना दूर से निकाल करके और लेकर कंधे पर जवान की पार्थिव शरीर को घर की ओर चले फौजी जवान। आदरणीय श्री मदन मिश्रा जी, हमारे मोर भैया के मित्र हूँ, आपके द्वारा प्रणाम, सब नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। शिव चंद्र यादव हुरमुचपुर गाजीपुर टणवा के ननकू यादव के भांजे, ननकू के भांजा हूँ, हमारो भांजा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सब भैया के नमस्कार प्रणाम। और ये 500 रुपए का पुरस्कार श्रीनिवास यादव देवरा हो बाबा की धरती किसी देवरिया से, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सैनिक सम्मान के साथ जवान को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन एक बात आपको देखी बात आपको बताना चाहता हूं, 19 सितंबर को तो बॉडी आई, 25 सितंबर को आप तक गाना बिरहा बहुत सुना, 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है आज चारों तरफ, अखिलेश 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 फिर से जनता चिल्लाना शुरू कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है, मैं राजनीतिक पहलू में बातों को नहीं बांधना चाहता, मैं राजनीतिक पहलू में बातों को नहीं बांध रहा, मैं जो है वो ओरिजिनल आपको बता रहा हूं। लेकिन 25 तारीख को अणिहार में मेघवरण सिंह स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए आए थे मुख्यमंत्री, वहां शहीद की 3 विधवाएं आई थी, राजेश यादव बरिया, हरेंद्र यादव गाजीपुर, राजेश सिंह चौधरी, ये तीनों विधवाएं बैठी थी, तीनों बच्ची हैं, 25 साल 24 साल 26 साल यही उम्र है। चेक लेकर के 25 लाख रुपए का जब आगे बढ़ने लगे तो हरेंद्र यादव की पत्नी कलाई पकड़ लेती है, हरेंद्र यादव की विधवा, और मुख्यमंत्री जी से कहती है आंखों देखी बात बताता हूं, क्या कहती है, बता रही है, अरे दुनिया बचार गई, अरे दुनिया भवाई, सीएम साहब हूँ, सीएम साहब हूँ, बचन के लेके शहीद की विधवा रो रही है, कह रही है रोटी कपड़ा लेकर के फीस यो पढ़ाई यही में कपड़े उतर पड़े बाबू लोई, ऐसा नहीं था जो न रोया हो, इस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, मेरा भाई दिनेश लाल नेहरुआ था, प्यारेलाल कवि जी थे, आम्रपाली थी, पूरे लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन वो शहीद की विधवा कह रही है फूटल किस्मत या मंगिया कोई ना डराई सीएम साहब बचावन के लेके कहा जाई, चलत काजी पूजा सिकंदर कैलस टाइगर पर अंगुली धुरंधर गर्जल गाजीपुर के सिकंदर, इतने में गोली आई, हरेंद्र यादव को भी छूट के पास शहीद हो गए, लेकिन वो फौजी बता रहा है अरे तिरंगा हाँ तिरंगे का सर ऊंचा कर गए सजदा सजदा कर
इतना कहते फोन कट गया, घर पे टूट पड़े आसमान। प्रभावती के आंचल का एक हीरा छोड़ चला है जहां, केदार यादव बुद्धि ठटरी, निकले सांस में निकले प्राण, और निष्क शाम को लाश है आई पूरा गांव लगे शमशान। दरवाजे पर भीड़ लगी है, हम लोग भी थे दरवाजे पर, हम लोग भी थे क्योंकि हमारा विधानसभा भी पड़ता है। जखनिया विधानसभा सुरक्षित है, जंगीपुर विधानसभा से मैं भी टिकट का दावेदार था, लेकिन कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश यादव जी के देहावसान के बाद उनके परिवार में यह टिकट दे दिया गया। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, यह संवेदना है और संवेदना के वक्त हम सभी साथी एक साथ थे। तो मैं भी था, भीड़ कह रही है कि हम ही। इतने में शाम के समय मिलिट्री की गाड़ी आई, आकर के दरवाजे पर रुकती है, दरवाजे से कुछ दूरी पर, जैसे यहां से ये मंच है और रोड पर गाड़ी रुकी, उतना दूर से निकाल करके और लेकर कंधे पर जवान की पार्थिव शरीर को घर की ओर चले फौजी जवान। आदरणीय श्री मदन मिश्रा जी हमारे मोरभिया के मित्र हुआ, आपके द्वारा प्रणाम, सत्यम नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। शिव चंद यादव हुरमुचपुर गाजीपुर टणवा के ननकू यादव के भांजे, ननकू का भांजा हूं तो हमारो भांजा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी, इनके नमस्कार प्रणाम। और ये 500 रुपए का पुरस्कार श्रीनिवास यादव देवरा बाबा की धरती किसी देवरिया से, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सैनिक सम्मान के साथ जवान को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन एक बात आंखों देखी बात आपको बताना चाहता हूं, 25 सितंबर 19 सितंबर को तो बॉडी आई, 25 सितंबर को आपने गाना भी रहा बहुत सुना, 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है आज चारों तरफ, अखिलेश 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 अखिलेश, फिर से जनता चिल्लाना शुरू कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है, मैं राजनीतिक पहलू में बातों को नहीं बांधना चाहता, मैं राजनीतिक पहलू में बातों को नहीं बांध रहा, मैं जो है वो ओरिजिनल आपको बता रहा हूं। लेकिन 25 तारीख को औरिहार में मेघवरण सिंह स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए आए थे मुख्यमंत्री, वहां शहीद की 3 विधवाएं आई थी, राजेश यादव बलिया, हरिंदर यादव गाजीपुर, राजेश सिंह चौधरी, ये तीनों विधवाएं बैठी थी, तीनों बच्ची हैं 25 साल 24 साल 26 साल यही उम्र है। चेक लेकर के 25 लाख रुपए का जब आगे बढ़ने लगे तो हरिंदर यादव की पत्नी कलाई पकड़ लेती है, हरिंदर यादव की विधवा, और मुख्यमंत्री जी से कहती है आंखों देखी बात बताता हूं, क्या कहती है, बता रही है, अरे दुनिया बुझार गई, अरे मनिया भुलाई, सीएम साहब हूं, सीएम साहब हूं, बचन के शहीद की विधवा रो रही है, कह रही है रोटी कपड़ा लेकर के फीस यो पढ़ाई यही पे कपड़े उतर पड़ता बुलाई, ऐसा नहीं था जो न रोया हो। इस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, मेरा भाई दिनेश लाल नरुआ था, प्यारे लाल कवि जी थे, आम्रपाली थी, पूरे लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन वो शहीद की विधवा कह रही है फूटल किस्मत ना मंगिया कोई ना तराई सीएम साहब,
मार तो तीन चार मिनट और बात, लेकिन मेन भक्ति की तरफ चलत रहे। इस बार हिंदुस्तान माफी के मूड में नहीं है। इंडियन सैन्य के जनरल साहब तब हरकत में आए हैं, ना धीर रखे दलवीर सिंह आपात मीटिंग बुलवाए हैं। मेरी टुकड़ी पर पलने वाले सिला मुझे क्या देते हैं, अरे अरबों का घाटा सह के हम चूतियों को पानी देते हैं। मात्र सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए तो पीने की तो बात छोड़ दो, धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा। और लड़ाई की बात करते हो, विशेष कमांडोज की टीम तैयार कर दी गई बॉर्डर पे, घुस जाओ पीओके में। जैसे ऑपरेशन सील को अंजाम दिया था अमेरिका ने, कमांडोज सील भेज करके पाकिस्तान के एबटाबाद में कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के छाती को छेदा था। उसी तर्ज पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इंडियन सैनिक के जनरल दलवीर सिंह सुहाग, रक्षा मंत्री मिल करके और लोगों ने रणनीति बना करके और जवानों को पीओके में देखे पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। और कैसे भेजा? आपके तरफ से विराग अंतिम बंदी सही, आपके तरफ से भेजा जा रहा है कि चाहो घुस जाओ, मारो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बिहार में तर्ज बड़ी बेजोड़ रहे आप। और ये हिंदुस्तान की शान भी आपने लाकर के दर्शन करवा दिया, तो ऐसी ही गीत भी लग गई है, कैसे जवानों को भेजा जा रहा है। भेजे हैं लिफाफा में अभी हो कलमुआ फौजी, सरहद पर बाड़न कौशल हो। लेकिन आई विराह का लाइन देखा, कैसे भेजल जात हो कि बल के काला नाग हो, अरे गोली की हाँ नाग हो। कोई हुक्मरान सामने स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आया। आया कौन?
इनामी कुख्यात आतंकवादी हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज सईद, और आकर के स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है एक परेशान मुल्क है, बिला वजह की तोहमत थोप रहा है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। हाइबा से खन करके 52 आतंकवादियों को नमाज अदा करके और उन्हें कब्र दी गई है 19 के बदले 52। लेकिन आज हिंदुस्तान मेरा भाई है, आवाम से कोई तकलीफ नहीं है, वहां की जनता, दोनों देश की जनता जंग नहीं चाहती, अमन चाहती है। लेकिन बीच में कुछ बिचौलिए हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सर पर युद्ध थोपना चाहते हैं, और ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे। और रुकना का पुरस्कार महेश यादव जी आजमगढ़, बहुत बहुत प्रणाम भाव है। और ये बहुत रुकने का पुरस्कार श्री मंगरू भाई, दिल के टुकड़ा देवेंद्र, मंगरू भाई के दिल का टुकड़ा देवेंद्र भैया, क्या बात है, दिल का टुकड़ा बड़ा कोमल होता है, वाह, आइए आइए, कैसे कैसे पद में क्या इतना बंपर साधो, बहुत थोड़ा समझौता। आज हिंदुस्तान का हर आदमी त्रस्त है इनके कुकृत्य से, बेगुनाहों के खून से धरती को लाल करने वालों के लिए ये कुठारा शब्द है। के बाद एक राष्ट्र की छोटी सी फरमाइश है भाई, भैया ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 10 बजे के बाद कार्यक्रम हुआ है, धन्यवाद आज, धन्यवाद सर, एक लाइन पम्प बोल रहा है काफी, क्योंकि समय को दिखा देंगे थोड़ा सा, 5 मिनट को गाने में दीजिए, हमें भी रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, एक काम दीजिए,